अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस, इसका पार्ट हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक जो है ये है लैंग्वेज पॉलिसी और आई डेट जो है ये है 15th of September 2020। लैंग्वेज पॉलिसी में हम ये पढ़ते हैं ए सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. Therefore, there were many safeguards to protect other language besides Hindi. There are 21st other language recognized as scheduled language. By the constitution, a candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. State to have their own official language. Much of the government work take place in the official language of the concerned states. तो जैसे कि बच्चों पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक स्टेट, उसमें हमने थोड़ी सी रेफरेंस लैंग्वेज के बारे में भी दी थी, लेकिन स्टेट की बाउंड्रीज और जो नाम चेंज होते हैं या नई स्टेट्स जो क्रिएट की जाती हैं वो किस बुनियाद पे होती हैं, तो वो टॉपिक इसके मुतालिक था। और अब जो ये टॉपिक है ये है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी जो है ये एक पर्टिकुलर टॉपिक हम इसमें ये लेते हैं कि जैसे कि हमारे इंडिया में 121 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इनमें से 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो शेड्यूल में आती हैं, हम उसको शेड्यूल 8 बोलते हैं। और इसमें ये भी देखा गया है कि हिंदी जो है, हिंदी ये है हमारी एक मदर टंग भी है और हमारी ये नेशनल लैंग्वेज भी है और ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हिंदी। और हिंदी जो है ये हिंदुस्तान के अंदर 44% लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं और हिंदी के अलावा बाकी दूसरी 21 जबानें हैं जो शेड्यूल 8 में आती हैं। कुल मिला के शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस आती हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं सिविल सर्विस के, वो इन ही 28 में कैंडिडेट को कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ती है, हालांकि स्टेट की एक अपनी लैंग्वेज भी होती है। अब इसमें हमने ये देखना है कि कोलेशन गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट फॉर्मड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एट लीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली पार्टनर्स इन ए कोलेशन फॉर्म ए पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट ए कॉमन प्रोग्राम। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड ए वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। The use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that use of English continue. जैसे कि 1965 में English language जो थी ये as a official language थी, तो इसको 1965 में stop किया गया। उसके बाद हिंदी जो है ये national language, ये official language यही रही। तो बहुत सारी स्टेट जो थी उनकी ये डिमांड भी थी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये लैंग्वेज रहनी चाहिए सरकारी लैंग्वेज। एंड तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक ए वायलेंट फॉर्म। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। मैनी क्रिटिसिस थिंक दैट दिस सोल्यूशन favored the English speaking elite. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself. तो अब हमने इसमें यही पाया कि लैंग्वेजेस जो हैं, हमारा इंडिया जो है इसमें बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं और ये ज़रूरी नहीं हो सकता है कि हर एक ज़बान जो है वो शेड्यूल में आ जाए।
शेड्यूल में 22 ज़बानें आती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी मतलब जगह उनकी डिमांड थी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना। तो बहुत सारे ऐसे और भी इलाके हैं जहां उनकी जो अपनी ज़बानें, हर स्टेट के जो सिटीजन हैं उनकी कोशिश होती है कि हमारी लैंग्वेज जो ये आगे आनी चाहिए, लेकिन ये इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि स्टेट की अपनी ज़बान होती है सरकारी, उसके अलावा सेंटर में जो लैंग्वेज सरकारी होती है वो पूरी कंट्री में के लिए वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती, जैसे हिंदी हमारी है, हिंदी में के 44% जो लोग हैं हिंदुस्तान के वो हिंदी बोलते हैं, और बाकी जो है हमारी ज़बानें वो नॉन शेड्यूल में आ जाती हैं। तो इसलिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हम एग्ज़ाम भी देते हैं उनमें हमें भी एक लैंग्वेज जो है इन ही बाई लैंग्वेज में से हमें एक ऑप्ट करनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।